ourselves here and hope in prayer. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ैनुल आबिदीन है, मैं भावलपुर से हूँ और मैं एक लॉ स्टूडेंट भी हूँ और एक एक्टिविस्ट भी हूँ। आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ जिसमें कुछ पॉजिटिव मसाले हैं इंटरफेथ मन के बारे में और कुछ माइनॉरिटीज़ की डिमांड। ये चलते हैं देखते हैं। इनके हवाले से हम ये कहेंगे कि हमारे हिंदू माइनॉरिटी के लिए कोई फैसिलिटीज़ नहीं है और कोई सहूलियात नहीं, जबकि अकलियती उमूर से स्कॉलरशिप भी मिलते हैं, लेकिन वो जहाँ दफ्तर वाले बैठे हैं वो अपने अपनों को प्रूव करते हैं। दूसरा हवाला ये है कि हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में सबसे पहले तो हमारे लिए मेडिकल तालीम के लिए कोई कोटा नफ्स नहीं है और ना ही एजुकेशन जनरल इंजीनियर ने कोई कोटा मुख्तस है। हाँ, टेक्निकल इदारे में मैं डिप्लोमा जो पढ़ते हैं उनके लिए कोटा मुख्तस किया हुआ है, वो भी जनरल मुशर्रफ के दौर में आई थी बात, लेकिन ये तो हमारे कायदे आज़म पाकिस्तान बनाने वालों ने भी ये बातें सारी वजाहत की थी और यहाँ की हुकूमत ने जो है इसको डैमेज कर दिया, दबा के रख दिया। लेकिन हमें इस हवाले से गुजारिश करते हैं गवर्नमेंट से कि ये हमारे जो कोटा है तालीम के हवाले से इसको बहाल किया जाए और इसमें हमारा जो कोटा चल रहा है उसको। दूसरा हवाला ये है कि हमारे लड़के लड़कियाँ किसी मजबूरी में किसी में आके ये मुस्लिम हो जाते हैं और अपने बचाव के लिए इस्लाम कबूल करते हुए अपनी इबादत छुपा के बैठ जाते हैं हिफाजत के लिए, और इसके लिए भी कोई एक ऐसा इदारा होना चाहिए कि जो कि जिस तरह हमारा डोमिसाइल है उसकी एक अथॉरिटी है, एक इदारा है, उससे हम पाकिस्तानी कहलाते हैं। तो इसके लिए भी हमें हुकूमत से अपील करनी है कि ये इसके लिए भी कोई इदारा ऐसा मुख्तस किया जाए कि जो रजिस्टर्ड मुस्लिम हो सके। अब हर इदारा हर मस्जिद हर मदरसा उठ के और उसको मुस्लिम कर लेता है तो इससे मफलूज हो जाते हैं और हमारे बच्चे फिर वहीं के वहीं आ जाते हैं और हमें बड़ी परेशानी होती है। इसके लिए अपील करते हैं हम लोग, नहीं है कोई भी होता रहे लेकिन रजिस्टर्ड होना चाहिए, ये हमारी गुजारिश है। दूसरी बात यह है कि हमारे पास बहुत सारी खुदकान तो हैं लेकिन हम फिर भी पाकिस्तान हुकूमत के साथ हैं और आज के साथ हैं, हमें कोई शिकवा नहीं, हमारे आज़ादी है, लेकिन जब तालीम करनी है और शऊर पैदा करना है तो इन बातों पर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ैन अली है और मैं भावलपुर का रहूँ हूँ और ये मेरा दोस्त है जुमेल अजमत, मैं मुस्लिम कम्यूनिटी से हूँ, ये मेरा दोस्त क्रिश्चन कम्यूनिटी से है। हम दोनों तकरीबन 6 साल से साथ हैं, हम बहुत अच्छे गहरे दोस्त हैं, हमारा दिन में तकरीबन 12 घंटे 7 वक्त गुजरता है और बिल्कुल हम दोनों में कोई फ़र्क नहीं, हम भाइयों जैसे रहते हैं। आई एम फ्रॉम अ क्रिश्चियन कम्युनिटी और ये मुस्लिम कम्युनिटी से है, बट कभी फ़र्क वगैरह हमारे बीच में है, मतलब भावलपुर को एक्सट्रीम समझा जाता है कि मतलब है भावलपुर में, बट ऐसा कुछ भी नहीं, पढ़े लिखे हैं तो हमारे साथ मतलब कुछ नहीं होता, वी आर लाइक, बट हमारा जो क्रिश्चियन कम्युनिटी प्रॉब्लम्स हैं जो कि मतलब हर किसी को देखने को मिलती है, लाइक उनको अजीब अजीब नामों से पुकारा जाता है, चूड़े वगैरह और इस तरह के नाम पुकारे जाते हैं उनको, जो कि हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, और जो बेसिक जो नाम दिया जाता है वो ये है कि ईसाई बोला जाता है हमें, जो कि हमें बिल्कुल नहीं पसंद, हमें मसीही बोलना चाहिए, मतलब मसीही, हम मसीही हैं नॉट ईसाई, इट्स अ वेरी पीसफुल सिटी और मतलब हम